नाज़रीन हम वापस आ गए हैं और अब हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर में खबरें क्या चल रही हैं। इस वक्त हम खबरों की बात करें तो ये गर्दिश करें खबरें, बल्कि गर्दिश नहीं करें, इसमें काम भी शुरू हो गया है। लाहौर का गवर्नर हाउस है जिसमें दीवारों की मिसमारी का काम किया जा रहा है और वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर यह कहा जा रहा है कि उनका वादा पूरा कर लिया जाए। तो अभी हम यही बात करेंगे, हमारे साथ दो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इखलाक बाजवा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब आपकी जानिब आऊंगी, सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे कि दीवारों की मिसमारी की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा स्टेप है, कैसा एग्जाम है? अच्छा, जैसा कि हमने अभी आपने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो वादा है उन वो पूरा किया जा रहा है, मैं मुझे ये नहीं समझ लगती कि वज़ीर आज़म ने तो बेशुमार वादे किए थे जिनमें से एक सबसे बड़ा वादा ये था कि अवाम को सहूलियात दी जाएंगी, बुनियादी सहूलियात, ठीक है, उसके बाद महंगाई में कंट्रोल होगा, बड़ा अमन अमान की सूरत बेहतर होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो इकदाम है ये सिर्फ आई वॉश है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर देखें एक दिन में 8 रुपये महंगा हुआ, वो डॉलर की कीमतें बढ़ने से आपका तमाम का तमाम जितना भी कारोबारी तबका है, आम आदमी है, वो उससे मुतासर हो रहा है। और दीवारें गिरने से जहाँ तक बात है तो इससे क्या होगा, इससे हासिल क्या होगा, क्या ये म्यूजियम बना दिया जाएगा, आर्ट गैलरी होगी, वेल एंड गुड, लेकिन उसके लिए फिर आपको दीवारों की जरूरत होगी कि जब रात को बंद करना होगा तो उस वक्त भी तो कुछ होना चाहिए था ना म्यूजियम में सारी। अब ये जंगले लगाए जा रहे हैं, अब पहले तो मिसमारी का जो काम हो रहा है उस पर भी अखराजात आएंगे, फिर जब उसके बाद जंगला लगाया जाएगा उस पर मजीद अखराजात आएंगे, करोड़ों रुपए के अखराजात आएंगे, इससे हासिल क्या होगा, अवाम को क्या मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इन इकदाम से पॉपुलर आप हो सकते हैं, आपको तो ये चाहिए कि आप अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से कुछ नहीं होगा, आप उस ऐसा आप ये इकदाम करते कि गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खोल दिया जाता, जिन लोगों को मसाइल हैं, हुकूमत से शिकायत है या दीगर मामलात हैं, उसके लिए जो गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा काम भी करना चाहते हैं, तो उनको ये उनको दिया जाता कि वो एक किस्म की एक जैसे खुली कचहरी जैसा है ना, वैसा कर दिया जाता। जो दीवारें तोड़ने की बजाय अगर गेट तोड़ दिए जाए और जो अप्रोच है आम आदमी की वो सीधी गवर्नर तक हो, तो मेरा ख्याल है इन इकदाम से बड़ा फायदा होगा। दीवारें गिराने से, इस तरह के इकदाम करने से आम आदमी को और अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। सलमान आप भी मुत्तफिक हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि गवर्नर हाउस पंजाब जो है उसकी दीवारें गिराई जा रही हैं और ये बुलंदोबांग नारे भी लगाए जा रहे हैं कि जी वादा पूरा करें इमरान खान साहब, लेकिन दीवारें गिराने से, जैसे बाजवा साहब ने भी कहा कि दीवारें गिराने से तो बुनियादी मसाइल नहीं हल होंगे ना, और कल हमने इस हवाले से पब्लिक से भी ओपिनियंस ली तो उस पर पब्लिक मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी, किसी ने तो कहा कि जी बड़ा अच्छा इकदाम है, हम देख सकेंगे खुल के, बड़ा प्यारा लगेगा गवर्नर हाउस, ठीक है, खूबसूरती की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से ये जो बढ़ती हुई महंगाई है ये कंट्रोल नहीं हो रही, ना ही ये डॉलर का जो रेट कीमत बढ़ रही है ना ये कम होगी इससे, और इस तरह की जो बुनियादी मसाइल में जो इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है वो इस तरह की चीज़ों से हल नहीं होंगे। गवर्नर हाउस खुल गया पब्लिक के लिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, लेकिन अब जहाँ पर हमने कफायत शहरी की मुहिम देखी, कफायत शहरी, अब गवर्नर हाउस की ही सिर्फ बात ले लेते, जितना यहाँ पर चाय और बिस्कुट खिलाकर सिर्फ कफायत शहरी की गई है, तो अब ये दीवार गिराकर जंगला लगाकर कितना खर्चा हो जाएगा, तो सारी कफायत शहरी तो वहीं पर चली गई, वापस चलेगी। और दूसरा ये कि कितनी लागत आएगा वैसे, खर्चा क्या बताया जा रहा है इसमें? 3 से 5 करोड़, 3 से 5 करोड़ जंगले पर आएंगे, और जो इसकी मसमारी के हवाले से जो दीवारें गिराने का अमल जारी है इस पे अलग अखराज आएंगे। अच्छा, इस पे अलग से। और ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर हाउस मुंतकिल कर रहे हैं, इस हवाले से अभी कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई, आगे जाके जब इनका अभी प्लान है इसको कि अभी दीवारें गिरेंगे उसके बाद फिर बाद में आर्ट गैलरी और म्यूजियम बनाने के हवाले से भी पेशकदमी होगी, तो उसके बाद फिर गवर्नर हाउस के बारे में। सलमान ये नहीं सोचते थे हम कि टूरिज्म इससे प्रमोट होगा, लोग आएंगे, उससे भी हो सकता है हमारा जनरेट हो? टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैर तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा कदम है, ठीक है जी, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जब आप ऑलरेडी बुनियादी मसाइल में घिरे हों जो इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, खास तौर पर महंगाई से इस वक्त आवाम काफ़ी तंग नज़र आती है क्योंकि एकदम से महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, तो उस दौरान इस तरह की चीज़ें हाईलाइटेड नहीं हो सकती, आवाम में पजीराई उस तरह से नहीं मिल सकती, ज़रूर अच्छा इकदाम होगा सैर व तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो इसको कोई भी नेगेटिव कदम कोई भी नहीं कह सकेगा, ये एक पॉजिटिव कदम ही है सैर व तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बुनियादी और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जैसे गुज़श्ता गवर्नमेंट पे तनकीद यही होती थी कि उनकी प्रायोरिटीज़ उनकी तरजीहात जो हैं वो डिफरेंट हैं, तरजीहात उनकी ये होनी चाहिए, काम वो ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें यही नज़र आ रहा है कि तरजीहात कुछ होनी चाहिए लेकिन किसी और काम को पहली तरजीह दी जा रही है, मतलब
इस वक्त पहली तरजीह गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना नहीं है, लेकिन अभी हमें इम्पैक्ट यही मिल रहा है, पब्लिक को इम्पैक्ट यही मिल रहा है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना ही इमरान खान साहब का सबसे बड़ा वादा था। और वादे की अगर बात आए तो हो सकता है हम उनके विजन तक पहुंच ना पा रहे हो। वाकई आपने सही कहा कि पूरी पाकिस्तान की जो 21 करोड़ आवाम है ना, वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर के विजन तक नहीं पहुंच पा रही, और वो अभी तक वो इस इंतजार में है कि कब प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है वो सामने आएगा। आप देखें कि पहले कहा गया कि हम पहले 3 माह में कोई दौरा गैर मुल्की दौरा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, खींचते खिंचाते हुए भी 6 के करीब गैर मुल्की दौरे भी हो गए, ठीक है आप, और मेरे प्राइम मिनिस्टर मैं क्या आप क्या कहूँ। फिर उसके बाद जो अखराज आते हैं वो 68 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो उन दौरों पर अखराज आते हैं, और हमें हासिल क्या हुआ है अभी तक अवाम को उसके जो मालूमात नहीं मिल सकी कि सऊदीया ने कितना दे दिया। वादे तो सारे सब ने किए, लेकिन मिला हमें आखिर में क्या, हमें सिर्फ ये हुआ है कि हमारे कौमी खजाने से तकरीबन 68 करोड़ रुपये जो है ना वो चले गए हैं, और हासिल जो अभी तक है वो अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा। जितने वादे थे उतने उससे साइज यूटर्न्स ले लिए गए हैं, और वो यूटर्न्स का जो सिलसिला है वो जारी है। अब डॉलर महंगा हुआ तो साथ ही गवर्नर उसकी दीवाने गिराने का अमल शुरू कर दिया गया, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत भी तो कम हुई है ना। नहीं आमना, ये आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत, यही हमारे वजीर खजाना थे असद उमर, जो कौमी असम्बली में और हर जगह पर खड़े होकर कहते थे कि आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत सिर्फ अपना आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देती है, या पेट्रोल जो है वो 34-35 रुपये लीटर मिलना चाहिए। अब जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो प्राइसेज हैं वो सबसे कम तरीन रेट पे हैं, अच्छा हाँ, और दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, और तमाम के तमाम ममालिक ने अपने अवाम को इसके हवाले से रिलीफ भी दिया है, और हमें सिर्फ जो रिलीफ मिला है वो सिर्फ 2 रुपये है, और ये रिलीफ जो कम अज कम जो बनता था वो 20-22 रुपये बनता है कम अज कम, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जैसे भी आप करते रहे जो भी आपका सिस्टम है उसके मुताबिक भी 20-22 रुपये कम होने चाहिए, ये सिर्फ 2 रुपये हुए हैं। और उसके बाद जो आप देखें जब से हुकूमत आई है तब से टैक्सेस की शरह, महंगाई और इतना कुछ इकट्ठा करने के बावजूद हालात जो हैं वो इनसे संभल नहीं रहे। अच्छा सलमान, आप तो फील्ड रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मैदान में भी रहे हैं, तो आपने गवर्नर हाउस विजिट किया हो, वहाँ पर शहरियों की क्या राय आमा थी, उनका क्या कहना था इस हवाले से कि फ्रस्ट्रेशन कुछ कम हो जाती है, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, क्योंकि हमने देखा कि हम मेरा वीकली ऑफ होता है, मैं जाने का सोचती हूँ कि यार मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह एक्सप्लोर करूँ, लाहौर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, तो एक्सप्लोर करने के लिए एक नया पॉइंट मिल जाएगा। इस हवाले से तो इसकी अहमियत ज़रूर है, सैर व तफरी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है पब्लिक के लिए खोलना, और पब्लिक में इसके अंदर सैर व तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर हाउस के लिए दरवाजे जो पब्लिक के लिए खुले हैं उस पर पब्लिक तकरीबन तमाम पब्लिक ने इसको खुशाइंद ही करार दिया, और बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद भी वहाँ पर हमें नज़र आई। एक ज़ाहरी बात है एक तारीखी मुकाम है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर मकबरा होता था बादशाह अकबर के कज़न का, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो लोग कुछ थे, उनके सिंह वगैरह थे, उन्होंने रंजीत सिंह के ज़माने में उन्होंने ज़मीनें खरीदी हुई थी, तो 1859 में गवर्नर जो ब्रिटिश राज था उस दौरान इस ज़मीन को ख़रीद लिया गया था उन सिंह से, वो खुशंत सिंह थे कि पता नहीं कौन थे, उनसे वो ज़मीन ख़रीद ली गई, और उसके बाद इसको फिर गवर्नमेंट हाउस के नाम से मंसूब करके उसके पर फिर शुरू हो गया काम। तो ये तब से ना 1859 से लेके पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनता रहा, 47 के बाद फिर ये गवर्नर हाउस बन गया, उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के 33 गवर्नर्स यहाँ पर रह चुके हैं। तो तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो इमारात हैं वो जो मकबरा है, मकबरा 1635 का बना हुआ है वो, और अकबर बादशाह के कज़न का, तो वो मकबरा है, साथ साथ वहाँ पर और भी बहुत खूबसूरत झील है, वहाँ पर जो थोड़े से चिड़िया घर भी है, बहुत खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन बनाने का एग्जैक्टली बहुत खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैर तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लाहौर की बेस्ट प्लेसेस में से है, और लोगों ने वाकई वहाँ पर हमने देखा है कि तादाद बेतहाशा आई है जब से ये खुला हुआ है, हर संडे की संडे गवर्नर हाउस खुलता है तो बेतहाशा लोग वहाँ पर सैर तफरी के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। मेंटेनेंस पे भी बड़ा खर्च आता हूँ, मेंटेनेंस का तो फिर खर्चा होता ही है, किसी भी सैर कोई भी दूसरा पार्क पकड़ लें तो उसकी मेंटेनेंस भी तो फिर खर्चा होगा ही होगा, उसका तो फिर ख्याल करना ही पड़ता है, उसको उसका तो एक्सपेंस गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है, उसके बिना फिर वो काम खराब हो जाता है, फिर पार्क आपका बिगड़ने ही लग जाता है, जिस तरीके से बाग जना और रेस कोर्स पार्क को मेंटेन किया जाता है उस तरीके से इसको भी किया जाएगा। अभी बहरहाल दीवारें गिराएंगे, दीवारें गिराने का असल में इसके अंदर बहुत से लोगों का कहना है कि जी दीवारें गिराने से कोई इम्पैक्ट, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल गए हैं इनफ, दीवारें गिरा के हम क्या अचीव कर रहे हैं, दीवारें गिरती हुई असल में लोगों को थोड़ा सा ये भी है कि जी दीवारें गिरा एक
ایک دن پہلے ایک روز قبل 8 روپے ڈالر انکریز ہوا, پھر تھوڑا سا کم ہوا اور اس سے ایک دم سے مہنگائی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا. بالکل ایسے تو اس سے ایک ایک شخص, ایک ایک عام شہری جو ہے وہ متاثر ہوا. تو ویری نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, مطلب گرا دی جائیں. تو اس میں اس حوالے سے پھر تشویش پیدا ہوتی ہے کہ جی ایک دم سے ایک سنسنی پھیلی, مہنگائی کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگا, بجائے وزیراعظم سے ہم ریلیف کی کوئی بات سننے کے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی گورنر پنجاب کی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی جو ہے وہ دیواریں گرا دی ہیں. اچھا تو اس حوالے سے لوگوں میں کہہ لیں کہ جی کنفیوز ہیں عوام. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ضرورت. اچھا ٹھیک ہے باجو صاحب, ایک ماہ کا بھی کہا گیا کہ ایک ماہ میں سارے جنگلے بھی بن جائیں گے, یہ سارا لگ جائے گا اور اندر بوٹینیکل گارڈن, آرٹ گیلری, میوزیم یہ سب بنائیں گے. ایک مہینے میں تو نہیں بنیں گی, لیکن اس سے ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا. بات وہی آتی ہے کہ اب یہ آرٹ گیلری بن جائے گی تو آرٹ گیلری تو آلریڈی ہمارے یہاں پر موجود ہے, اور پھر جب کوئی کبھی نمائش لگنی ہو الحمرا سینٹر, وہاں پر بڑی اچھی لگتی ہے. اب اس کو آپ آرٹ گیلری میں بنا دیں, کنورٹ کر دیں, کسی اور میں کر دیں, تو پہلے تو ان کا یہ منصوبہ تھا کہ اس کو نہ سیل آؤٹ کر دیا جائے یا پھر یہاں پر یونیورسٹی قائم کر دی جائے. تو نہ تو یونیورسٹی بن سکتی تھی یہاں پر, اس کی وجہ بیسکلی وہی جو تاریخی عمارات ہیں, پھر اس کے اتنے وہاں پر رومز نہیں ہیں یونیورسٹی کے لیے جو ایک پراپر چاہیے ہوتی ہے. اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ سیل آؤٹ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ہیریٹیج ہے, تاریخی ورثہ ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ نہیں, اب مسماری سے یہ سارا کچھ کرنے سے تو میرے نہیں خیال کہ ایک یہ ضرور ہے البتہ کہ عوام کی کچھ عرصے کے لیے توجہ ضرور ہٹے گی. جو پرائم منسٹر میں یہ ایک ول پاور ہے وہ ایک اچھا اقدام یہ کرتے ہوتے ہیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان ضرور دیتے ہیں جس سے عام آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا معیشت کی بہتری کے لیے کٹی ککڑی اور پھر انڈا. ٹھیک ہے, اب بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں, کٹا ککڑی اور انڈا. تو اس حوالے سے یہ جو منصوبے ہیں یہ بڑی عرصے سے چل رہے ہیں, اور آپ نے وہ بیان دیا, آپ کا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم معیشت کی بہتری کے لیے جب تک غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئے گی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون کی حکومت پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, بڑی ہوئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کا جو ساؤتھ ایشیا میں یہ واحد حکومت تھی جنہوں نے تقریباً 150 سے اوپر اپنے جو میگا پروجیکٹ تھے وہ شروع کیے. ان کے ٹوٹل میگا پروجیکٹ کی تعداد جو تھی وہ 250 تھی, لیکن انہیں کے 5 سالوں میں 150 سے زائد جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے. ایک میگا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے آپ کو 30 ارب روپے کی ضرورت ہوتی ہے, اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے 150 کے قریب جو میگا پروجیکٹ تھے وہ کمپلیٹ کیے. باقی ٹھیک ہے, یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گورنر ہاؤس میں مسماری کا کام جاری ہے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 3 دن 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, اور یقین کریں گے ہم, امید کریں گے کہ اچھا اچھا ہی ہو جو بھی ہو. لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, اور واپس آئیں گے تو جاگو لاہور میں ہمیں نئے گیسٹ جوائن کریں گے, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.